भूकंप दिल्ली एनसीआर में अब से कुछ देर पहले लगभग 2:28 पर भूकंप के जबरदस्त 23 झटके महसूस किए गए हैं और 5.8 की तीव्रता वाला ये भूकंप बताया जा रहा है। सभी ने ये भूकंप के झटके महसूस किए और ये झटके काफी तेज थे। लगभग 30 सेकंड तक ये झटके महसूस होते रहे। 5.8 की तीव्रता, एपिसेंटर नेपाल में बताया जा रहा है और बैठे बैठे कुर्सियां हिलने लगी। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के 23 झटके महसूस किए गए। 2:28 पर जमीन से 10 किलोमीटर नीचे इसका केंद्र, भूकंप का केंद्र था, नेपाल में इसका केंद्र बताया जा रहा है। लोग दहशत में आ गए, डर गए, क्योंकि लगातार दिल्ली एनसीआर में भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस किए जा रहे हैं। आज दोपहर 2:30 2:28 पर उत्तर भारत में भूकंप आया है, इसका केंद्र नेपाल में है, तीव्रता 5.8 है। दिल्ली नोएडा के ऑफिस से बाहर निकल गए लोग, मतलब राजधानी दिल्ली एनसीआर से लेकर पूरे उत्तर भारत में दोपहर 2:28 के आसपास भूकंप के 23 झटके महसूस किए गए। नोएडा फिल्म सिटी में ऑफिस में काम कर रहे हमारे साथियों ने महसूस किया जैसे उनकी कोई कुर्सी हिल रही है, किसी ने उन्हें हिला दिया। उन्होंने देखा कि बिल्डिंग में काफी कुछ ऐसा चल रहा है जो सामान्य नहीं है। उसके बाद 30 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए। लखनऊ में लोगों ने तेज झटके महसूस होने की बात कही है। दिल्ली से लेकर नेपाल तक भूकंप से लोग हिल गए हैं। एनसीआर में करीब 30 सेकंड, कुछ लोग बोल रहे हैं हमने 10 सेकंड तक ये झटके महसूस किए, कुछ लोग बोल रहे हैं हमने 4 सेकंड तक महसूस किए और कुछ लोग यहां तक दावा कर रहे हैं कि 30 सेकंड तक, आधा मिनट तक हम ये महसूस करते रहे कि हमारी कुर्सियां हिल रही हैं और धरती हिल रही है, यानी कि जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं वहां पर हमने ये महसूस किया है। अब इसी तरह से हमारे साथ इस वक्त हमारे दो संवाददाता दिल्ली से पंकज, देहरादून से अंकित जुड़ चुके हैं। अंकित, आपके पास आए हैं क्योंकि उत्तराखंड का जोशीमठ खतरे में इस समय है, लेकिन दिल्ली से लोग, देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अपने दफ्तरों से, अपने ऑफिस से और घरों से बाहर निकल गए। पंकज, क्या खबर है, बताइए। देखिए इस वक्त हम सिविक सेंटर में मौजूद हैं, दिल्ली नगर निगम, और यहाँ पर जैसे ही ये खबर मिली कि भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, उसके बाद कुछ देर के लिए तो चिंता सबके चेहरे पर नजर आई, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ कार्रवाई भी चल रही थी मेयर को चुनने की, जो फिलहाल टल गई है। लेकिन हम आपको यहाँ से तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से ऊंचाई से भी दिल्ली नजर आती है सईद, और यहाँ पे बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो बिल्डिंग के बाहर चले गए और बहुत से लोगों को हमें मैसेज आने लगे। उन्होंने बताया कि भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, हम अपने घर से बाहर आ गए हैं और कुछ देर के लिए वो अपने घर के भीतर नहीं गए। और साथ ही हम आपको ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि बाहर क्या नजारा है, यहाँ दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए, कहा जाता है कि बहुत ही, पंकज हम आते हैं आपके पास दोबारा, अंकित के पास ले चलते हैं। देहरादून में अंकित इस वक्त मौजूद हैं, जोशीमठ की याद आ जाती है, डर लगने लगता है। अंकित, क्या खबर मिली है आपको उत्तराखंड से? जी सही, सबसे पहले मैं अच्छी खबर ये बताना चाहूंगा कि जोशीमठ में जो है भूकंप के झटके महसूस नहीं किए गए हैं, अच्छी बात ये है। बाकी चमोली के जो दूसरे क्षेत्र हैं, गौचर और जो पौड़ी, बागेश्वर, कुमाऊं के जो क्षेत्र हैं, पिथौरागढ़ है, देहरादून में भी झटके महसूस किए गए, लेकिन क्योंकि जो एपिसेंटर था वो नेपाल के कालिंका एरिया में है, 5.4 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता नापी गई है, और खटीमा जो कि उत्तराखंड के बॉर्डर एरियाज हैं, खटीमा, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, वहां पर ज्यादा तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग अपने घरों के बाहर निकले और अभी भी लोग डर के साए में हैं कि दोबारा भूकंप ना आ जाए। अभी रविवार को पिथौरागढ़ में इससे पहले भूकंप आया था, 3.8 रिक्टर स्केल पर आया था, अब ये दोबारा एक कह सकते हैं कि रिटर्निंग अर्थक्वेक इसको माना जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि जोशीमठ में भूकंप के झटके महसूस नहीं किए गए, इससे मैं काफी नाजुक दौर से जोशीमठ गुजर रहा है। सही, देहरादून में आप मौजूद हैं इस वक्त, वहां से क्या खबर मिली है अंकित? सईद, इस समय देहरादून में हम आपको दिखाते हैं, प्रेस क्लब में हम यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। लोग अपने सामान्य उस जो दिनचर्या है, यहाँ पर लोग सामान्य हैं इस समय, क्योंकि देहरादून में जो भूकंप की तीव्रता थी वो इतनी तेज लोगों को महसूस नहीं हुई। हालांकि जो बॉर्डर एरियाज हैं उत्तराखंड के, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत और खटीमा,
वहां पर तेज झटके महसूस किए गए और लोग अपने घरों के बाहर भी आ गए थे। हालांकि देहरादून में लोगों को बाद में पता चला कि भूकंप आया है। कुछ कुछ जगहों से लोगों ने सोशल मीडिया पे भी शेयर किया कि देहरादून में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, और इस समय सोशल मीडिया पे लगातार लोग सूचनाएं शेयर कर रहे हैं। सही, ठीक है अंकित, बने रहिए। अनिशा माथुर हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। अनिशा, दिल्ली एनसीआर में ज्यादा झटके महसूस किए गए, क्या खबर मिली है अनिशा? देखिए सर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके इसलिए भी ज्यादा महसूस किए गए क्योंकि दिल्ली एनसीआर में हमारे सारी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं। जैसे हम ये इतनी देर से बात कर रहे थे कि हमारे ऑफिस जो है इंडिया टुडे का, आज तक का ऑफिस में काफी झटके महसूस किए गए। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जहां मैं हूँ, कोर्ट रूम्स के अंदर भी झटके महसूस किए गए। वकील भी आपस में बात कर रहे हैं कि यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। खास तौर से जहां पर भी कोई भी किसी ऊंची इमारत में है, उनको बहुत एकदम भूकंप के बारे में पता चला है। अजीब बात यह है कि सड़क में जो राह में जो लोग चल रहे हैं, गाड़ियों में है, स्कूटरों में है, या फिर सड़क पर दुकानों पर है, उनको इतना झटके का पता नहीं चला है। तो दिल्ली में जो तीव्रता आई है, जो हमें ट्विटर पर जो सीज्मोलॉजिकल डिपार्टमेंट की हमने रिपोर्ट देखी, उसमें ये था कि 5.8 रिक्टर स्केल के आसपास इस भूकंप की तीव्रता रही। और जैसे हम अभी अपने और कॉरेस्पॉन्डेंट सुन भी रहे थे, उत्तराखंड में खासतौर पे पहाड़ों में इस भूकंप का ज्यादा ज्यादा एहसास लोगों को हुआ है। और दिल्ली एनसीआर में भी हमें विजुअल्स मिले हैं, सोशल मीडिया पर लगातार लोग आकर इसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे मजेदार, वैसे मजे की तो नहीं है लेकिन थोड़ी मजेदार बात ये भी है कि कोर्ट रूम में झटके महसूस हुए तो वकील और जज आपस में ये बात कर रहे थे कि भाई झटका आया है भूकंप का, क्या किसको पता चला किसको नहीं। लेकिन इतना तेज भी झटका दिल्ली शहर में सड़क पर लोगों को पता नहीं चला है। जो जो बिल्डिंग्स में ऊपर हैं, 100 सेकंड 3rd फ्लोर या उससे भी और ऊपर, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में सारी गगनचुंबी इमारतें हैं, वहां पर जरूर लोगों को डर लगा है बहुत, क्योंकि जो ऊंची इमारतें हैं उनमें झटके का ज्यादा एहसास भी होता है। लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियोस भी डाले हैं कि किस तरह से उनके किचन में बर्तन खड़के हैं, पंखे हिले हैं, कुर्सियां तक हिल गई हैं। तो वो सब पूरे दिल्ली एनसीआर में पूरी तरह से अनुभव हुआ है लोगों को इस भूकंप का। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि दिल्ली एनसीआर और पूरा नॉर्थ इंडिया जो है वो ऐसी टेक्टोनिक प्लेट पर है, ऐसे भूकंप क्षेत्र में है कि यहाँ पर तेज भूकंप जब आता है तो उसका असर भी बहुत पता मालूम चलता है लोगों को।